दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पॉन्ड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पॉन्ड में पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहां पे दो सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो सीएलसी और डीएसबी है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 एमजीडी का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 एमजीडी पर था, ये 10 जून तक गिरकर 958 एमजीडी तक पहुंच गया, 13 जून को ये 939 एमजीडी पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 एमजीडी पर पहुंच गया। यानी इस समय दिल्ली में 70 एमजीडी पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 एमजीडी के बजाय 932 एमजीडी पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, क्योंकि जो मुनक कनाल का पानी है वो सभी वाटर, 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ पानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो 70 एमजीडी पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है, खासकर के बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहां पे काफी पानी की शॉर्टेज थी। इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहां के यूजीआर से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 एमजीडी पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी, इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहां पर पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, पानी के टैंकर्स अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं पानी के टैंकर्स के, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी की वजह से नए ऐसे एरियाज डेवलप हो गए हैं जहां पे पानी की सप्लाई।